आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अमोनिया के चार गुण लिखिए। अमोनिया जो होता है वो नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है, जो कि एक प्रमुख यौगिक होता है, जिसे हम स्थाई हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। ये नाइट्रोजन का एक स्थाई हाइड्राइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है, ठीक है, इसे हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया का सूत्र जो है वो 1800 में डेवी ने इसका सूत्र स्थापित किया था, तथा बथोरले ने बताया था कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, जिसमें नाइट्रोजन 1:1 तथा हाइड्रोजन 3:3 में मिलकर अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन बनाती है, ठीक है। तो अमोनिया जो नाइट्रोजन का यौगिक है, स्थाई यौगिक, ये कैसी प्रकृति का है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये प्रमुख यौगिक है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब अमोनिया के गुणों की बात कर लें तो अमोनिया के गुण दो चीज़ों में डिवाइड होंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है भौतिक गुण, इनकी अगर भौतिक गुण की बात की जाए तो इसका पहला भौतिक गुण होगा, भौतिक गुण का मतलब इसकी संरचना, ये किस प्रकार का होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका ऑर्डर कैसा होता है, इस प्रकार का, ठीक है। अमोनिया जो होती है वो रंगहीन होती है, रंगहीन और एक तीक्ष्ण गंध की गैस होती है। गैस होती है, ठीक है। अमोनिया जो होती है वो जल में पूर्ण विलय होती है, जल में पूर्ण विलय होती है, ठीक है। अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और यह अज्वलनशील गैस होती है। ये कैसी गैस होती है, या अज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। ये जलने में सहायता नहीं करती, अमोनिया गैस का जो जार में जलती हुई तीली ले जाने पर यह बुझ जाती है, क्योंकि इसमें ज्वलनशीलता नहीं होती है, ठीक है। अब इसके भौतिक गुण तो हो गए, अब इसके रासायनिक गुणों की बात कर ली जाए। रासायनिक गुण, ठीक है, इसके रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो सबसे पहले गुण पर आते हैं। इसका रासायनिक गुण होता है जलना। अमोनिया गैस ना ज्वलनशील होती है और ना ही जलने में सहायता करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ऊपर अज्वलनशील गैस होती है, परंतु क्या होता है, जब ऑक्सीजन में अमोनिया का मिश्रण डालते हैं तो ये पीली लौ के साथ जलता है। मैं आपको अभिक्रिया के साथ यहाँ पर समझाती हूँ कि यहाँ पर ये अमोनिया है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये क्या बनाती है, नाइट्रोजन और जल, ठीक है। तो ये किस रंग के साथ जलती है, पीली लौ के साथ जलती है, तो ये इसका ज्वलनशीलता का गुण हो गया। अब इसकी दूसरे गुण की बात करें, ये ना तो जलती है ना ही जलने में सहायता करती है, परंतु ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये पीली लौ के साथ जलता है, ठीक है, अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है। अब इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीकरण, इसका रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, अमोनिया 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होता है तभी क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अमोनिया का जब ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, ये अमोनिया का हमने ऑक्सीकरण किया O2 के साथ, तो ये क्या बना लेती है, NO और जल, ठीक है। ये क्या है हमारा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक
ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे अमोनिया के कुछ गुण हैं। तो आशा करती हूँ ये गुण आपको समझ में आ गए होंगे, ये भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।